शासक दलर विधायिका कथा शुणुना स्थानीय आईएसी एभली अभियोग आनी खलिकोट विधायिका सूर्यमणि बैद्य गत 5 तारीख संध्या समय किसी दुर्वृत्त विधायिका घरे भंगारुजा कर लंकाकांड घटाइवा सह विधायिका निज गां केशवपुर घर को सीरीज बोमा मार करते दुईज गुरुतर आहत होता बेले से ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल चिकित्सा करे घटना को 48 घंटा बीती जाते सुधा स्थानीय आईआईसी किसी पदक्षेप नौन अभियोग कर विधायिका दीर्घ दिन केशवपुर विधायिका समर्थक और विरोधी मध्य छकापंछा लगि रही विगत दिन में उभय पक्षों मध्य संघर्ष घटी बहु लोक आहत होगा सह ए संपर्क में माली मकदमा चालू रही गत 4 दिन ते उभय पक्ष मध्य गंडगोल घटी माने खलिकोट थाना रे मामला रुजु होइतिबा बेले किछि पदक्षेप निया जाय नथिला। विधायकांक घरठारु मात्र 2 किलोमीटर दूर रे खलिकोट थाना रे थिबा बेले ए पर्यंत आईएसिंग को देखा नाही बोली अभिजोग करिसेंती विधायिका। सपटे बोमामार घटना रे पुलिस 6 जण को अटक रखी पचराउचरा करूथिबा सूचना मिलिछि। आदिकी हाडी हाणी की ताक देखि खलिगोट गले खलिगोट फेरेदेला ब्रह्मपुर मेडिकल दुईज जाक पड़ी आज्ञा तापर का हाड़िया हाँ पशिले पशिक घरे भंगारुजा करके बाड़े पिटिक पकड़ा घर द्वारा छाड़ कड़े पड़े गंडगोल कम है बोले एमएलओ कहीं बोली तो ये माडगोल ये 2 वर्ष हो गला माडगोल होबार हाँ थाना जना थाना बाबू किसी बुझुने पटिया नाच खाऊ पटिया कथ कौन आज्ञा ताके निजे निजे कल काम ना ढीरे दौरान एमएलओ पार्टी की खाली एमएलओ पार्टी का सब कौच बोली जोड़े सीढ़े कौन पुलिस मान दे कौन ये सब जयंत बद्य भीम बद्य आउ राम बद्य दिज जन जुगुर गाँडा को धसीदे खाईदे पुछीदे आमर मो स्वामी जयराम बद्य 3:15 सार से स्कूल रु आसिले आसला खाया को बाड़ी दे खाया बाड़ी देखे पाखे ठियाई सारे ठिया है सर सेपटर सब 20-30 हम खंडा काती बम ठेगा सब धरिकी आसिले आसिकी मैंने यू रही आटा कले पूरा कंटेक्टर हाणीपाई चाहला बेलू सर मुझ दौड़ी आसी ग्रिल बंद करदे ग्रिल बंद करदेला सी आतर को एंट्री कर पारे सर एंट्री कर पारे जितने दुर्धर कर बागीड़ा को भांगे बागीड़ा भांगा भितर सर मुझर कबाट भी बंद करदे मानते बारी कबाट दाण कबाट सब बंद करदे बंद करदे आम 5-6 जन पर घर भितर थरुचु मो झीटा थरुचु आज्ञा से कौन कले एपट सब डेईंग गले एपट डेईंग जाइक कार को बमिंग कले आर कांथ गुड़ा सब बमिंग कले तबे संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित सीधासल जोड़ी होती आम प्रतिनिधि विस्मय जोड़ी होती विस्मय पूरा घटना कौन निश्चय देखो गत 5 तारीख में जो भाई विधायिका घर को किसी दुर्वृत्त आक्रमण करते तो गोटे पक्ष कह जो भाई दीर्घ दिन धरी लगी रही राजनैतिक तिक्तता गत 5 तारीख में एक भयंकर रूप नहीं था जार परिणाम देखा मिलता है खलिकोट अंचल जो विधायिका जो ग्राम रही केशपुर नुआ केशपुर ग्राम रही दुईट गोष्ठी विधायिका सपक्ष गोष्ठी और विपक्ष गोष्ठी मैंने दीर्घ दिन हेड़ी लड़ी से मध्य लड़े लगी रही था छकापंजा लगी रही था कितु जितेबाला जो 5 तारीख रही था 5 तारीख रही जो विधायिका विपक्ष गोष्ठी थे सपक्ष गोष्ठी पर आक्रमण करते कहीं से जो रही था दीर्घ दिन खाली गोटे दिन ना 3 दिन धरी फिर लगातार भाव एम संघर्ष लगी रही है जार परिणाम स्वरूप विधायक एथन थाना अभियोग करते एसपी को जानते कि फलस्वरूप किसी से यार सुफल मिल ना परवर्त समय जितेबाला विधायक घर को आक्रमण कराला आक्रमण को 2 दिन बीत जाए बर्तमान समय को 6 जन को अटक रखी पुलिस पचराउचरा कर तो सब गुरुत्वपूर्ण कथ हो जो विधायक रही सूर्यमणि बैद्य खलिकोट विधायिका से ने जो रही खलिकोट आईएसी रही जिते अभियोग करवाकूले घटना 2 दिन बीती जाए जो खलिकोट आईसी को देखा नहीं बोली विधायिका अभियोग करते जो भाई प्रतिक्रिया आप शुपारे जो भाई विधायक अभियोग करते आईआईसी को देखा ना ये जो घटना को जो 2 दिन पड़ा स्थानीय एसटीपीओ आसिले तहसिलदार आसिले वीडियो आसिले समस्त देखा मिलला कहीं वर्तमान सुधा आईआईसी को देखा मिलना जो रही विधायिका प्रश्न करते तो देखिपर जी गोटे शासक दल विधायिका पक्ष जब यह स्थानीय आईआईसी कथ शुना तो साधारण लोकों प्रति केमी व्यवहार होती कमी कथ शुणा जा गोटे प्रकार बर्तमान सब बड़ प्रश्न
ଆସିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଖଲିକୋଟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଖଲିକୋଟ ଗଡ଼ର ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ି ରହିଛି ସମର୍ଥକମାନେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଛକା ପଞ୍ଚା ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଗୋଟେ ପକ୍ଷ ଯାହା ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କାଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲୁ ଯେ ଉଠିଲା ପାଇଁ ବିଧାୟିକା ସମର୍ଥକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା ଯେ ବିଧାୟିକା କାହିଁକି ହେଲେ ଆମକୁ ଚାକିରି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟିକା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଏମାନେ ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସାହି ଭୋଟ ଦେଇନଥିଲା ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ରଖି ଏଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ବିପକ୍ଷ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଆମେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଚା ଲାଗିଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଲାଗିଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନେଇଥିଲା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା ସେ ଗାଁରେ ବୋମାମାଡ଼ ହେଲା ବୋମାମାଡ଼ରୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଲା ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ କନ୍ଦଳ ରହିଛି ବିଜେଡ଼ିର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହିବା ବୋଲି କହୁଥିଲି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯଦି ଜାଣିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଆଇସି ୟାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି ଆଇଆଇସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।